हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। सो एक्साइटेड वीडियो 2000 रुपये का भाई सिनेमैटिक लाइटिंग सेटअप। बट मैं सोच रहा हूँ यार, जब थोड़े से बंदे के पास पैसे आ जाते हैं तो क्यों ना थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। बट चेक आउट द प्राइस, 1219 रुपीज़ की ये लाइटिंग सेटअप मिल रहा है। सो भाई के पास इतने पैसे तो अभी जमा नहीं हुए कि यार 1219 की यार ये अपने स्मॉल से स्टोर के अंदर लाइटिंग सेटअप बनाया इस तरह का। एंड सीरियसली अगर मैं बात करूँ, ये सॉफ्ट वर्क या मोनो लाइट्स या गोडॉक्स या अंगू की जो लाइट्स होती हैं वो स्टूडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होती हैं। बट भाई हमारा बजट तो इतना नहीं है। बट हैंग ऑन मैं बताता हूँ यार, 2000 का लाइटिंग सेटअप होता कैसे है। सो दिस इज़ माय लाइटिंग सेटअप। सो भैया एक लाइट ये लगी हुई है फ्रंट पे और एक लाइट ये लगी हुई है। सो दिस इज़ माय लाइटिंग सेटअप। सो जो कुछ भी है भाई ये, तो दिस इज़ माय लाइटिंग सेटअप। और अब यहाँ पर एक सिनेमैटिक वीडियो तो शूट करना भाई ज़रूर बनता है ना। एक ये लाइट है और एक ये रिंग लाइट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार बता दूं, ये लाइट मैंने चूज़ की है फिलिप की लाइट है। एंड हॉनेस्टली 1000 की इंडिया में, मैं भी 500 की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये 2000 का सेटअप है। अब इस लाइट को चूज़ करने का यहाँ पे मकसद ये है यार, ये सॉफ्ट लाइट है। एंड इसका यार ये जो फ्रंट का एलिमेंट है ये मैंने उतारा हुआ, क्योंकि इससे लाइट स्प्लिट होती है। अब सिनेमैटिक लाइट का यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि यार आपकी सिनेमैटिक लाइट एक फिक्स जगह पर पड़ रहती है, और उसके लिए यार मैंने ये सॉफ्ट सा बॉक्स बनाया है, खुद हैंडमेड है। वो काफ़ी अर्से पहले यार मैंने बनाया था, इसके अंदर मैंने सिल्वर कोटिंग की हुई है, जिससे अब ये डायरेक्ट हिट होकर एक सब्जेक्ट पर पड़ती है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट है। एंड द सेकंड लाइट रिंग लाइट है, 700 पीस की ली हुई है, मैक्सिमम 6 इंच की है। एंड इसकी सबसे कूल बात ये काफ़ी लो वेट है, इजीली मैं इसे कहीं भी कैरी कर सकता हूँ। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है यार कि मैं मोस्टली अपनी फोटोग्राफी के अंदर जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है ये माइक्रोस के अंदर मोस्टली इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा जो आपको ये ब्लू एंड पर्पल लाइट नजर आ रही है यार, ये मैक्सिमम बहुत सारे शॉपकीपर्स में लगी होती हैं कि यार उनको अट्रैक्शन के लिए, मैंने भी लगा के लगाई हैं। 100 रुपये की मिलती हैं, ये ईजिली आप अपने स्टूडियो के अंदर लगा सकते हैं। एंड दिस इज़ द सेटअप भाई, बस यही है मेरा सेटअप। और मैं 3 महीने से यहीं पे वीडियोस बना रहा हूँ एंड मेरा यूट्यूब ग्रोथ कर रहा है। बट हैंग ऑन, कंसेप्ट अभी बाकी है, क्योंकि ये चीज़ आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप 2 लाइटें चलाते हैं अपने रूम के अंदर, तो मैं सीरियसली बात करूँ, आप कभी सिनेमैटिक लाइट अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे जो असल हकीकत है वो कुछ और ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, सिनेमैटिक लाइट ये है कि यार वो एक तरफ से फ्लो कर रही होती है। तो दिस टाइम जो लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ है यार, वो मेरे राइट साइड पर है, जो आपका राइट साइड है, मेरा लेफ्ट साइड है। एंड जो नॉर्मल लाइट है वो यार यहाँ पे पड़ी हुई है, और इसका इतना ज़्यादा कोई बड़ा फंक्शन नहीं है। मोस्टली मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, कभी कभार नहीं कर रहा होता। बट ये याद रखें कि आपका सब्जेक्ट हमेशा ब्राइट होना चाहिए, जैसे कि मैं ब्राइट हूँ एंड जो बैकग्राउंड है वो डार्क है। एंड दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, सो अगर आपके पास किट लेंस है ना भाई, तो आप 1020 लाइटें भी जला लो। अब 1020 का कोई कंसेप्ट नहीं है, आप जितनी भी लाइटें जला लो। सो आप जो अचीवमेंट मैं कर रहा हूँ यार, वो आप कभी भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि किट लेंस के अंदर f3.5 होता है। सो आप वैसी अचीवमेंट नहीं कर सके, और जितनी भी आप लाइट्स चलाओगे आप सिनेमैटिक जो इफेक्ट है वो लूज़ करोगे। सिनेमैटिक इफेक्ट का मतलब, एक तो डायरेक्ट लाइट होती है, सॉफ्ट लाइट आपके सब्जेक्ट के ऊपर, और मोस्टली आपका सब्जेक्ट ही इसमें फोकस में होता है, आपका बैकग्राउंड नहीं होता। तो वहाँ पे आपकी लाइटिंग ज़्यादा होने की वजह से पूरी टेंशन आ जाती है, तो वो सिनेमैटिक इफेक्ट नहीं रहता। एंड द फाइनल कंसेप्ट जो जहाँ तक देख रहा है उसी को फ़ायदा है। लाइटिंग सेटअप 2000 रुपये का है, बट जो मेरे कैमरे का सेटअप है वो तकरीबन 3 लाख रुपये का है। एंड सीरियसली यही सबसे बड़ी है, मैं लो लाइट लेंस यूज़ कर रहा हूँ, सिग्मा का 16mm f1.4, बट मैं 1.8 पे शूट कर रहा हूँ। सो वो 60,000 रुपये का है। सो मैक्सिमम उसकी लो लाइट सिचुएशन इतनी अच्छी है कि वो अगर मैं 2 लाइटें में जलाऊंगा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देगा, और उसकी नॉइस रिडक्शन बहुत ज़्यादा कम है। एंड सीरियसली α6400 यूज़ कर रहा हूँ, उस बॉडी की जो नॉइस रिडक्शन है वो भी 1000 कुछ है समथिंग, तो लो लाइट सिचुएशन में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी शूट कर रही होती है। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है यार, कि लाइटिंग आप जितनी भी जलाओ, एक तो डायरेक्ट हो सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करो और लो लाइट लेंस यूज़ करो। सो आप बॉडी जो भी यूज़ कर रहे हो, मैं 700 ही यूज़ कर रहा हूँ, बट उसके साथ मैं 24mm f2.8 यूज़ कर रहा हूँ। एंड सीरियसली f2.8 पे आपको 2 लाइट्स के साथ भी काफ़ी अच्छी जो है ना स्टूडियो लाइटिंग सेटअप मिलेगा। सो बाइक जो है वो यार, बाइक वाला जो बहुत ज़्यादा रेसिंग दे रहा है, उसे नहीं पता यार मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ।
एंड अगर आप नाइकन के फैन हैं तो मैं कहूँगा यार जो भी आप लेंस ले लो लाइट सिचुएशन के, बट वो वाइड एंगल हो। एंड सोनी के अंदर 16mm f/2.8, 20mm f/2.8 अवेलेबल, मैक्सिमम 25,000 इनकी प्राइस है, और कैनन का भी 24mm 25,000 के। एंड सीरियसली अगर मैं बात करूँ आप लेंस बाय करें, ये ना हो कि आप 10-20 लाइटें जलाएं, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा बिजली की बिल देंगे, घर वालों से मेरी तरह बेइज्जत होंगे स्टार्टिंग लेवल पर। सो इतनी लाइटें मैं जलाता था कि मत पूछें, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इसका कंसेप्ट ये है कि आपके पास एक लो लाइट लेंस होना चाहिए एंड सॉफ्ट सी लाइट होनी चाहिए शॉप। सो आई होप गाइस ये शॉर्ट सी जो वीडियो थी, जो मेरा कंसेप्ट था, सो जो भी कंसेप्ट है यार, सॉफ्ट लाइट्स होनी चाहिए, ठीक है, एंड लेंस अच्छा होना चाहिए। सो तब तक के लिए कीप शूटिंग, कीप क्रिएटिंग, एंड जाते जाते एक रिक्वेस्ट है यार के वीडियो पसंद आइए, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जैसे हमारे टेक्निकल भाई कह रहे होते हैं। सो प्लीज़।